दुनिया भर में करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। आमजनों से लेकर सेलिब्रिटीज तक ने इस उत्सव को पूरी शिद्दत के साथ मनाया। करीब करीब सभी ने सोशल मीडिया पर करवा चौथ सेलिब्रेशन की फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर की। कपिल शर्मा ने पत्नी गिन्नी के साथ करवा चौथ मनाते हुए कई सारे फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटोज में देखा जा सकता है कि पहले गिन्नी ने चांद की पूजा की, फिर पति को आरती उतारी। इसके बाद कपिल ने पत्नी को गले लगाकर किस किया। इसी तरह अनिल कपूर ने घर में हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ धूमधाम से मनाते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी अनिल कपूर के घर पर उनकी पत्नी सुनीता कपूर ने करवा चौथ सेलिब्रेट किया। पद्मिनी कोल्हापुरे अपनी बहू शजा मोरानी के साथ अनिल कपूर के घर के बाहर नजर आए। इस दौरान पद्मिनी ने हल्के हरे रंग का सूट पहन रखा था, शजा गुलाबी रंग के सूट में नजर आई। इस मौके पर पद्मिनी कोल्हापुरे, शजा मुरानी, मीरा राजपूत, रीमा जैन, अनीशा मल्होत्रा सहित अन्य सेलेब्स शामिल हुए। वरुण धवन और नताशा दलाल का यह पहला करवा चौथ था। वरुण ने सेलिब्रेशन का फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए। इसमें नताशा छन्नी से पति को देखते हुए नजर आ रही हैं। दोनों इस दौरान सिंपल लुक में नजर आए। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भी करवा चौथ सेलिब्रेट करने अनिल कपूर के घर पहुंची। इस दौरान मीरा हाथों में पूजा की थाली और गहरे गुलाबी रंग के कपड़े में नजर आए। गोविंदा और सुनीता भी करवा चौथ के रंग में रंगते हुए नजर आए। इस मौके पर अभिनेता गोविंदा पत्नी को तोहफे में BMW कार की चाबी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम को 2 सीजन हिट होने के बाद अब इसके 3rd सीजन की तैयारी हो चुकी है। प्रकाश झा ने इसके कलाकारों के साथ भोपाल में शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर ली है, पर लगता है इस सीरीज से लोगों की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। आश्रम 3 के सेट पर तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में बजरंग दल के लोगों ने आश्रम 3 के सेट पर तोड़फोड़ की है। साथ ही बजरंग दल के लोगों ने प्रकाश झा के मुंह पर स्याही भी फेंक दी है। उनका कहना है कि सीरीज का नाम बदला जाना चाहिए, नहीं तो वह मध्य प्रदेश में सीरीज की शूटिंग नहीं होने देंगे। बजरंग दल के भोपाल के नेता सुशील सुदेले ने कहा कि आश्रम से शो का नाम बदला जाना चाहिए, नहीं तो राज्य में शूटिंग नहीं चलने दी जाएगी। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किए जाए, लोगों को काम मिले, लेकिन इस भूमिका का इस्तेमाल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुशील सुदेले ने आगे कहा है कि सीरीज के बाकी भागों में दिखाया गया था कि आश्रम में महिलाओं का शोषण किया जाता है, ऐसा है क्या? हिंदुओं को फंसाना बंद करें, अगर उन्हें पॉपुलरिटी चाहिए तो किसी और धर्म और उसके नाम का इस्तेमाल करें और देखें कितना प्रोटेस्ट होते हैं। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस इन दिनों अपनी फिल्मों की बजाय प्रवर्तन निदेशालय के समन के कारण चर्चा में है। जैकलिन का नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया है। 3 बार समन भेजे जाने के बाद आखिरकार बीते दिनों ED ने जैकलिन से 2 बार पूछताछ की। यह पूरा मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी से जुड़ा हुआ है। शनिवार को सुकेश के वकील ने दावा किया कि जैकलिन और उनके मुवक्किल का अफेयर रहा है, लेकिन अब जैकलिन के प्रवक्ता ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जैकलिन के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि एक्ट्रेस को सुकेश या उनकी एक्ट्रेस पत्नी लीना मारिया पॉल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जैकलिन के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ईडी ने जैकलिन को आरोपी नहीं गवाह के तौर पर बयान देने के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। भविष्य में भी यदि जांच एजेंसी उन्हें बुलाती है तो एक्ट्रेस जांच के तौर पर ही सहयोग देंगी। जैकलिन ने इस केस में आरोपी कपल के साथ संबंधों के बारे में खास तौर पर कहा है कि कथित संबंधों के बयान निंदनीय है और वह इसे सिरे से खारिज करती हैं।